वोट पोलराइज करना किसे कहते हैं क्या आप जानते हैं? चुनावी डमरू में आज हम आपको ये मंत्र सिखाएंगे, इस चुनाव में वोट पाने हैं तो डमरू बजाइए मुस्लिम लीग का। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्राची खंडेलवाल और न्यूज कनेक्ट पर ये है चुनावी डमरू। आप सोच रहे होंगे चुनाव में उम्मीदवार और पार्टी की जगह मैं उस पॉलिटिकल पार्टी की बात क्यों कर रही हूँ जो पाकिस्तान के बड़े राजनीतिक दलों में से एक है, मुस्लिम लीग। चलिए आपको हिंट देती हूँ, आजादी से पहले भारत में कांग्रेस का चेहरा थे नेहरू, तो मुस्लिम लीग का चेहरा थे मोहम्मद अली जिन्ना। समझ में आया कुछ? जी हाँ, मुस्लिम लीग यानी मुसलमानों की पार्टी, क्योंकि उसकी नींव जिन्ना ने डाली थी। और अगर बीजेपी की जुबान पर मुस्लिम लीग का नाम हो तो समझ जाइए ये पार्टी हिंदू वोटों को पोलराइज कर रही है, खासकर तब जब खुद पीएम नरेंद्र मोदी ये कह रहे हो कि कांग्रेस ने तो मुस्लिम लीग का चुनावी घोषणा पत्र बना दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। मोदी ने ऐसा क्यों कहा? सिंपल है, इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस ने वोटरों को दी गई गारंटी में अल्पसंख्यकों को 9 वादे किए हैं। राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों की बात करें तो समझ जाइए मुसलमानों की बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अगर मुसलमानों को वादे करे तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हुआ? इसका जवाब भी सिंपल है, दर्द नहीं हुआ, खुशी है। ये बीजेपी तो चाहेगी ही कि कांग्रेस आम हिंदुओं की बात ना करे, सिर्फ मुसलमानों की चिंता करे और वो उसे मुसलमानों की पार्टी बता दे। लगता है पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की इस नियत को ताड़ लिया और ये बयान दिया गया कि लोग कर लो बात, बीजेपी किस मुंह से मुस्लिम लीग को कोस रही है। मोदी और शाह के पूर्वज तो खुद मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे। खड़गे ने एक्स पर लिखा, आज भी वो आम भारतीयों के योगदान से बनाए गए कांग्रेस न्याय पत्र के खिलाफ मुस्लिम लीग की दुहाई दे रहे हैं। अमित शाह के पुरखों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान व मौलाना आजाद की अध्यक्षता वाले आंदोलन का विरोध किया। सभी जानते हैं कि आपके पुरखों ने 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रंट में अपनी सरकारें चलाई थीं। जाहिर है अब चुनावी नैरेटिव बदल चुका है, जहां बीजेपी ये साबित करने की कोशिश में है कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों की चिंता है, आप हिंदुस्तानी की चिंता उसे कतई नहीं है। वही कांग्रेस ये बता रही है कि बीजेपी मौका देखकर दोस्त और दुश्मन तय करती है। आजादी की जंग में उसने मुस्लिम लीग का समर्थन किया था, 7 सरकारें चलाई थी और अब मुस्लिम लीग का नाम उसे इस कदर बुरा लगने लगा है। दोस्तों, सियासत तो ऐसे ही चलती है, ब्रूटल होती है, नामों पर खेल कर जाती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और न्यूज कनेक्ट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसा करने से हमें हौसला मिलेगा। जल्द ही मिलती हूँ फिर एक और चुनावी डमरू के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।